हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रजा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टर के बारे में, यानी कि प्लास्टर होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कितने प्रोपोर्शंस में होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा कुछ हम यूज़ करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टर आपने देखा होगा कि यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन में। अब लेकिन प्लास्टर में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ वो टर्म्स होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के प्लास्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते तो जो सबसे पहले चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो करनी है प्लास्टर होता क्या है और प्लास्टरिंग क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि प्लास्टर करने की टेक्निक को ही प्लास्टरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्लास्टिक मोर्टार वॉल सीलिंग टू ऑब्टेन प्लेन स्मूथ एंड क्लीन सरफेस इज कॉल्ड प्लास्टरिंग। कहने का मतलब ये है कि एक प्लास्टिक मोर्टार है हमारे पास, उसको वॉल सीलिंग्स पे अप्लाई करके स्मूथ और क्लीन सरफेस मतलब बनाने के लिए हम जब अप्लाई करते हैं वॉल्स या सीलिंग पे, उसको हम कहते हैं प्लास्टरिंग। और जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर। प्लास्टिक मटेरियल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा प्लास्टर होता है वो एक्सपांड होता है, ठीक है। देखिए, प्लास्टर इज नॉर्मली मिक्सचर ऑफ सीमेंट विथ सैंड एंड वाटर। प्लास्टर आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है कि प्लास्टर हमारा सीमेंट, वाटर और सैंड का होता है। सैंड बोल दे आप या फिर फाइन एग्रीगेट बोल दो, ठीक है। ये मिक्सर होता है इन तीनों चीजों का। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो सीमेंट होता है हमारा, सीमेंट हमारा साउंड होता है। साउंड होने का मतलब वो अराउंड 10 mm तक वो हमारा एक्सपांड होता है। तो 10 mm तक एक्सपांड होता है तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेंसाइल मटेरियल भी कई बार इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपांड हो रहा है और क्रैक जनरेट होते हैं, नो डाउट क्रैक जनरेट होते हैं, बट वो एक बार को बियर कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये प्लास्टिक मटेरियल सीमेंट के लिए भी यूज होता है, प्लास्टिक वर्ड ज्यादातर। तो क्या हो गया हमारे पास, जो प्लास्टिक मटेरियल हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, मोर्टार। मोर्टार का मतलब होता है सीमेंट, सैंड एंड वाटर। ओके, तो जो मोर्टार होता है उसी को हम प्लास्टर भी कहते हैं। मोर्टार अब बहुत मतलब 2-3 जगह यूज होता है, हमारे मेसनरी में भी यूज होता है, प्लास्टर में भी यूज होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है हमारे पास पर्पस ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है। प्लास्टर करते क्यों है, तो पहली चीज तो ये कि जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है उससे हमारे सरफेस को बचाने के लिए। अब हमारे पास देखो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में अगर देखें हम तो हमारे पास क्या है, पहली चीज रेन, स्नो, विंड और सन है। सनलाइट है जिसकी वजह से सरफेस डैमेज हो सकता है, विंड है, विंड की वजह से हम डैमेज हो सकते हैं, सरफेस भी डैमेज होता है। कई बार आपने देखा होगा आंधियों में क्या होता है, हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं वो डेमोलिश हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। उसके बाद रेन एंड स्नो का तो आपको पता ही है ये कैसे डैमेज करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स को। ओके, फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी जो डिफेक्ट मतलब हाइड करता है हमारे जो डिफेक्ट्स होते हैं ना वर्कमैनशिप की। कई बार आपने कुछ गलत वो कर देते, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब गलत कहने का मतलब ये है कि जैसे अंडुलेशंस होते हैं या फिर लेवल में नहीं होता है, या फिर कभी जॉइंट्स गलत कर दिए, इन सब चीज़ों को भी वो एक तरीके से हाइड कर देता है। ओके, फिर तीसरी चीज़ क्या है कि एक डेकोरेटिव इफेक्ट आ जाता है हमारे वॉल पे। अगर एक रफ वॉल है, रफ वॉल देखने में बेकार लगता है, बट वहीं पे अगर प्लास्टर कर दो तो स्मूथ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तभी हम ज़्यादातर देखा होगा आपने कि लोग जिनके पास कम पैसे होते हैं मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो वो इंटरनल प्लास्टर कराते हैं, एक्सटर्नल नहीं कराते, क्योंकि एक्सटर्नल में वो एक बार को रह भी लेंगे, लेकिन इंटरनल में क्या होता है कि थोड़ा सा एस्थेटिक्स इंक्रीज हो जाता है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए भी डेकोरेटिव के लिए भी काम आ जाता है आपका प्लास्टर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टर। अब 3 टाइप के प्लास्टर होते हैं हमारे पास। पहली चीज़ होती है सीमेंट प्लास्टर, उसके बाद लाइम प्लास्टर, और उसके बाद आती है हमारे पास मड प्लास्टर। अब देखो सीमेंट प्लास्टर जो है आज हर जगह यूज हो रहा है, बाकी दोनों को आप ऐसा समझो कि यूज नहीं हो पा रहा है ज्यादातर जगहों पे। अब सीमेंट प्लास्टर के बारे में अगर डिस्कस करें तो आप सबको पता है सीमेंट प्लास्टर क्या होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये मिक्सचर होता है हमारा सीमेंट का, सैंड का और वाटर का। ये आपको हर एक जगह यूज होते दिखेगा, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, सीमेंट, सैंड और वाटर का मिला के इन तीनों को मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, इन तीनों के मिक्सर को हम कहते हैं मोर्टार, मोर्टार कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो मोर्टार होता है हमारे पास, हमने बताया था कि हम 2 जगह यूज करते हैं, एक तो हमारा मेसनरी में और दूसरा हम यूज करते हैं कहाँ पे, हमारे प्लास्टर में।
मेसनरी में प्रोपोर्शन अलग होता है, प्लास्टर में प्रोपोर्शन अलग होता है। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब ये रेशियो जो है ना हमारा सीमेंट और सेंट का जो रेशियो है ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आप 1:5 ले लो, 1:10 ले लो, डजंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली जो हमारा सीमेंट होता है वो 1 रहता है और जो हमारा सेंट लेते हैं हम वो क्या लेते हैं, आइदर 3 or 4, ठीक है, 3 or 4 लेते हैं हम सेंट को। कहने का मतलब ये है कि जो मोर्टार होगा वो हमारे पास रेशियो कितना होगा, 1:3 या फिर 1:4 प्लास्टर के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो ये पहली चीज़ तो ये कि ये एक तरीके से हमारा फायर रेजिस्टेंस होता है, हमारे जितने भी अफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंटल वो सारा रेजिस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या हो गया, हमारे कम पैसे में भी बन जाता है, मतलब कम का मतलब इतना भी कम नहीं है बट हाँ नॉर्मली ठीक ठाक है इकोनॉमी वाइज। प्लस ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टाइम तक चलता है। अगर आपने इसको में कोई भी मतलब अगर अच्छे से आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब अच्छे से यूज़ किया है प्लास्टर को, तो ये बहुत टाइम तक चलेगा। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंटरनल वॉल्स होते हैं, इंटरनल वॉल पे हम जो प्लास्टर करते हैं जो, तो वो कितना करते हैं, इंटरनल वॉल पे हम नॉर्मली 1 coat करते हैं, ठीक है, प्लास्टर का 1 coat करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक्सटर्नल वॉल पे भी हम नॉर्मली 1 coat तो करते हैं, लेकिन कई बार जब जरूरत पड़ती है सरफेस के अकॉर्डिंग तो हम 2 or 3 coat तक भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल वॉल में हम 2 or 3 coat तक भी जाते हैं। अब दूसरा अब होता कैसा है वो आप यहाँ देखोगे तो 1 coat पहले से है, उसमें हमने ऐसे बना रखे हैं, हमारे खाचे बना रखे हैं, इसको हिंदी में बोले थे। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये दूसरी लेयर को हम मतलब प्लास्टर करते हैं, दूसरी लेयर में भी हम सेम स्क्रैच करते हैं, फिर तीसरी लेयर को डालते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये थिकनेस अलग अलग होती है। नॉर्मली जो प्लास्टर होता है हमारा सीमेंट का वो कितना होता है, नॉर्मल प्लास्टर हमारा जाता है 12 mm से लेके 20 mm तक प्लास्टर रखते हैं हमारा, कौन सा, सीमेंट प्लास्टर का, ठीक है। सीमेंट प्लास्टर हम नॉर्मली करते हैं 12 mm से 20 mm तक का थिकनेस होता है हमारा, ओके। अब अगर उसमें लेयर से ज़्यादा तो अकॉर्डिंग टू लेयर आपका इंक्रीज होते जाएगा थिकनेस, आपको ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितने लेयर्स में देना है और कितने mm तक का देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। एक समरी अगर बताऊं तो सीमेंट और सेंट का आपको रेशियो क्या लेना है, 1:3 या फिर 1:4। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ गई, हमारे पास एक इंटरनल वॉल में 1 coat होता है, एक्सटर्नल में हम 2 or 3 भी जा सकते हैं, ठीक है। अब 2 or 3 coat करने के लिए हमने बता दिया कि एक लेयर डालते हैं फिर स्क्रैच कर देते हैं उसके ऊपर, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरा लेयर करते हैं स्क्रैच कर देते हैं ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर तीसरे में हम फिनिश करते हैं, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते आगे आता है हमारे पास लाइम मोर्टार। अब देखो लाइम मोर्टार आपने नॉर्मली ज़्यादातर कहाँ देखा होगा, आपने एनिशियंट बिल्डिंग्स देखे होंगे या फिर आपने महल देखने गया होगा आपने कभी भी, या फिर ऐसे जगहों पे मतलब जो राजा महाराजाओं के टाइम का, वहाँ पे ज़्यादातर आपको लाइम मोर्टार ही देखेगा, तभी वो बिल्डिंग्स आज तक ऐसे चल रहे हैं सीमेंट के कंपेयर में ज़्यादा, बिकॉज इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ किया है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ होती है, ओके। तो लाइम मोर्टार नॉर्मली लाइम से यूज़ होता है, लाइम और वाटर का मिक्सर होता है सेंड के साथ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि लाइम मोर्टार में मैंने क्या किया, लाइम मोर्टार में क्या होता है, लाइम और सेंड और वाटर, ओके। समटाइम्स यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो लाइम होता है लाइम के साथ साथ हम स्मॉल अमाउंट में सीमेंट भी यूज करते हैं। सीमेंट क्या करता है, हमारी जो लाइम होती है उसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ डाल देता है। स्मॉल अमाउंट होता है, ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि हम सीमेंट भी यूज करें और लाइम भी यूज करें एक साथ, नहीं, सीमेंट थोड़ा सा डालते हैं ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि जो लाइम होता है, ठीक है, वो हम हाइड्रोलिक लाइम यूज नहीं करते, हम फैटी लाइम यूज करते हैं हमेशा कंस्ट्रक्शन में, प्लास्टर में हम फैटी लाइम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोपोर्शन की, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में हमारा क्या आ जाता है, अगर लाइम की बात करूं तो लाइम हमारा कितना आता है, लाइम और सेंट की बात अगर मैं
मतलब इसी टाइम लाइम और सेंट की बात करते हैं प्रोपोर्शन के लिए, तो आप देख, आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो प्रोपोर्शन होता है जैसे सीमेंट मोर्टार में क्या था 1:3 या फिर 1:4, यहाँ पे दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, मतलब दोनों इक्वल होता है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि इसमें अलग अलग होगा, नहीं, इसमें दोनों प्रोपोर्शन सेम होते हैं, ओके। तो आपको ये नहीं करना है कि 1:3, 1:4, नहीं, 1:1 का रेशियो चलेगा, चाहे आप लाइम 1 ले रहे हो तो सेंट 1 लो, लाइम 3 ले रहे हो तो सेंट 3 लो, अकॉर्डिंग टू यू आपको जितना लेना है इक्वल होगा अमाउंट ऑफ लाइम, ओके। लाइम और सेंट का अमाउंट बिल्कुल ही इक्वल होगा। आगे बात क्या आती है कि इसमें हम एक गुलाल करके एक गम आती है, हम गम को ऐड करते हैं 1.6 kg/m³, जो गुलाल होता है ये गम होता है हमारा, ठीक है। ये जो गुलाल गम है इसको 1.6 kg/m³ यूज करते हैं 1 m³ में। 1 m³ का अगर हमारे पास मतलब ये है लाइम प्लास्टर है, तो 1 m³ में हमारा 1.6 kg/m³ आ जाता है, यानी कि 1.6 kg हमारा क्या आ गया, गम आ गया। ये क्या करता है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो एडहेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और हम यूज करते हैं इसके अलावा भी, वो क्या होता है हमारे पास, आपने आपको पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, मैं आपको बता देता हूँ, चॉप्ड हेम्प कहते हैं हम, ठीक है। ये चॉप्ड हेम्प भी हम यूज करते हैं, कितना, 1 kg/m³ के रेशियो के हिसाब से। अब चॉप्ड हेम्प होता क्या है वो दिखा देता हूं मैं आपको, ये होता है हमारा चॉप्ड हेम्प, ओके। चॉप्ड हेम्प ये एक मतलब ऐसा फाइबर का काम करता है, ये नेचुरल मटेरियल है, जो मतलब अगर चॉप्ड हेम्प का बात करूं मैं बताना चाहूं तो आपने जनरली देखा होगा हमारे जो खेत होते हैं फार्म्स होते हैं हमारे, उसके किनारे उगते हैं ये ऐसी चीजें, ओके। तो ये फाइबर का काम करता है। तो ये चॉप्ड हेम्प कितना यूज करते हैं हम, चॉप्ड हेम्प हम यूज कर रहे हैं 1 kg/m³, यानी कि अगर 1 m³ हमारा लाइम प्लास्टर है तो हम 1 kg उसमें हम चॉप्ड हेम्प यूज करेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मड प्लास्टर की हमारे पास, ठीक है। मड प्लास्टर में, अब मड प्लास्टर में क्या होता है, हम जो अर्थवर्क है अर्थवर्क को ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम, एक नॉर्मली हम मिट्टी को लाते हैं, उसमें से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सारा कुछ निकालते हैं, उसको कूल मिलाकर उसको सीव करते हैं। सीव करने से हमारे पास क्या बचता है, बस मड बचता है, मतलब सॉइल बचता है। सॉइल में फिर हम वाटर, उसके बाद वाटर के साथ अब क्या यहाँ पे फाइबर के लिए क्या यूज होगा, ठीक है। सॉइल में हमने वाटर तो मतलब मिक्स कर दिया, तो सॉइल और वाटर कंप्लीट हो गया मड हमारा। लेकिन इसमें फाइबर के लिए हम क्या यूज करेंगे, फाइबर के लिए हम चॉप्ड वीट का यूज, वीट स्ट्रॉ का यूज करते हैं चॉप किया हुआ, ओके। तो और या फिर हे का भी यूज करते हैं, या फिर हमारा हेम्प का भी यूज करते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लास्टर करेंगे मड प्लास्टर, तो हमारे पास सॉइल के साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास हेम्प या फिर वीट, वीट स्ट्रॉ, ठीक है। इसके अलावा भी एक और आता है, वो आता है हमारे पास हे। अब हे आपको समझ में आ जाएगा, हेबेल वगैरह का जो भी हमारा बचा होता है वो सब सारा कुछ, ठीक है। अब जो वीट स्ट्रॉ होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हमारा मतलब वीट होता है वो ग्रो हो जाता है या पैटी, तो उसमें से हम वीट और पैटी को अलग कर लेते हैं, फिर जो गाय भैंसों को डालने के लिए जो बच जाता है उसको हम चॉप्ड करके यूज करते हैं। ये सब कहाँ, आपने अगर आपको आप गांव से बिलोंग करते हैं या ऐसे कभी आपने विजिट किया होगा किसी विलेज वगैरह को, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी ऐसे घर होते हैं जहाँ पे इस टाइप के प्लास्टर्स किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे ये यूज किया गया, हेम्प वगैरह, हेम्प या फिर स्ट्रॉ, ये सब यूज किया गया है ये प्लास्टर करने के लिए। एक चीज जो इसमें बहुत बड़ी खासियत बोल दो आप एक तरीके से, वो ये है कि ये जो आपका मकान है इसको मतलब टेम्परेचर को ना एक रजिस्ट करके रखता है, मतलब बाहर जो टेम्परेचर है ना उसके अपोजिट टेम्परेचर होगा आपके बिल्डिंग के अंदर। कहने का मतलब ये कि अगर बाहर समर है तो अंदर आपको 20 degrees के आसपास या उससे भी कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, भले ही बाहर कितने भी गर्मी हो। अगर बाहर विंटर है तो अंदर आपको 25-30 के आसपास का टेम्परेचर देखने मिलेगा। तो ये इसकी एक प्लस पॉइंट है, मड प्लास्टर करने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये मतलब इन्वायरमेंट के अपोजिट चलता है, तो आपको कोई भी इन्वायरमेंट का मतलब इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छी इसमें इंसुलेशन मिल जाएगी टेम्परेचर के लिए, ठीक है। ये था हमारा प्लास्टर, ओके। अब ये जो होता है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता है हमारा वीट स्ट्रॉ, जो मैं कह रहा था वीट का स्ट्रॉ, वो वीट स्ट्रॉ ये होता है, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्लास्टर, ठीक है।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट कर ले आप, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट कर दे। और अगर आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं ISO सर्टिफाइड, तो हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और साथ ही आपको ISO सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आप सीख सकते हो। तो प्लीज़ विजिट दैट एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।